गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल इसको समझते हैं। आप लोगों मैं प्रीवियस वीडियो जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें मैंने बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल फिर दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से 2x-1 से इसको डिवाइड लगाना है और फाइंड करना कोसेंट और रिमाइंडर। देखिए कैसे करते हैं। 2x-1 छोटा वाला है पावर जिसका डिग्री उससे हम लोग बड़ा वाला जिसका डिग्री ज्यादा है उसमें हम लोग डिवाइड लगाते हैं। 21 में यहाँ पे 3 होगा क्यूब 5x² प्लस 9x-1 ये है। अब हम लोग को क्या करना है इस फर्स्ट टर्म को हम लोग को इलिमिनेट करना है काट देना है। तो क्या करो फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख लो अलग से साइड से और इसके फर्स्ट टर्म से इसमें डिवाइड लगा दो। देखो 2 से काटो 7 जा 14 एक्स से एक्स क्यूब को काटो एक्स स्क्वायर होगा मतलब 7x² आ गया। अब प्लस में है ये तो आप इसको सीधे लिख दो 7x². अब इस 7x² से इस दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। चलिए लिखते हैं 14 आया एक्स क्यूब यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है गुना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा फिर माइनस है यहाँ प्लस है तब माइनस प्लस माइनस 7x² को 1 से करेंगे तो 7x² ही आएगा। अब साइन चेंज करो यहाँ प्लस है तो नीचे वाला इसको देखेंगे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ये वाला माइनस है तो प्लस। अब देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या हो गया ये दोनों सेम हो गया और एक प्लस एक माइनस तो जीरो होगा दैट्स मीन ये कैंसिल हो गया। अब देखो सेम टर्म है डिग्री देखो लाइक है एकदम सेम है x² यहाँ भी है तो ये दोनों लाइक टर्म हुआ इसमें ही प्लस माइनस होगा तो ये इसका साइन हो गया प्लस ये हो गया प्लस है ना चेंज कर दे 7x² और ये क्या है -5x² तो इसमें क्या होगा माइनस करेंगे तो +2x² आएगा। ठीक है अब बाकी जो टर्म है हमारा उसको नोट कर लो यहाँ पर। फिर अब देखो यहाँ पे क्या है 2x² अब 2x² लिख लो। अब यहाँ पे क्या है इसका फर्स्ट टर्म 2x है 2 से 2 कैंसिल हो गया एक एक्स से एक्स कट गया क्या हो गया एक्स बचा। अब ये प्लस है प्लस में साइन प्लस है इसका तो प्लस यहाँ लिख दो प्लस एक्स। अब इस एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो चलिए कितना हो गया 2x² ये कितना हो गया -1 को एक्स से करेंगे क्या होगा माइनस एक्स और फिर साइन चेंज करेंगे। चलिए साइन चेंज कीजिए माइनस ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस ये और ये छमछम ये 9x और ये क्या हो गया प्लस एक्स तो 9x प्लस में भी ये भी x प्लस में भी तो क्या हो गया 10x माइनस 1। अब ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10x और यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2x एक्स एक्स कैंसिल 2 5 10 5 प्लस में है तो यहाँ प्लस 5 लिखता हूँ। ठीक है तो अब ये क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 10x फिर इसमें माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए ये क्या हो गया कैंसिल और ये प्लस ये माइनस क्या हो गया ये 4 आ गया तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर क्या आ गया 4 और कोसाइन क्या हो गया कोसाइन कितना है 7x² प्लस एक्स प्लस 5। अब इसी को हम देखते हैं ये इसको फॉलो करता है या नहीं। तो यहां देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला को यहां पे क्या लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर। तो देखो बच्चों अब हम लोग क्या सेट करते हैं डिवाइजर हमारा क्या था जिससे हम लोग डिवाइड लगाए थे वो था 2x-1। कोसेंट क्या आया है भाई तो कोसेंट आया है हमारा 7x² प्लस एक्स प्लस 5 और रिमाइंडर आया है 4। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई 2x को इस पूरे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया ये हमारा आएगा 14x³ प्लस 2x² प्लस 10x। अब देखो इस माइनस 1 से करो तो क्या हो गया -7x² माइनस एक्स माइनस 5 और ये वाला 4। अब देखो 14x³ प्लस अब ये देखिए ध्यान से 2x² है यहाँ पे x² है तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया -5x². अब देखो ये क्या है 10x और ये x चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 9x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 प्लस में है और ये 5 माइनस में है तो यह हो गया -1। तो देखो हमारा डिविडेंड क्या था यही था। ठीक है डिविडेंड हमारा यही था इसका मतलब क्या हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि ऑन फाइंड द रिमेनिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। मतलब कुछ जीरोज आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया ना अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ जीरोज दिया रहेगा और तब कहेगा कि पॉलिनोमियल के अदर जीरोज को फाइंड करो। तो देख लो यहाँ डिग्री कितना है मैक्सिमम, यानी डिग्री क्या फोर है, तो फोर सोल्यूशन होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए, यहाँ पे टू जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फा अगर होता है दिया रहता है तो फैक्टर हमारा क्या होता है, फैक्टर हमारा होता है एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों दिया है तो फैक्टर हमारा क्या, फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। तो अल्फा के पे कितना रूट टू और बीटा के पे माइनस रूट टू, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इस बात को हमारा फैक्टर क्या आएगा उस देखो, तो फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब माइनस यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस रूट टू, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया एक्स माइनस रूट टू और ये हो गया बच्चे लोग एक्स प्लस रूट टू। ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एकदम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ गया। अब ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लात से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है, ठीक है। ये रूट कैंसिल कितना टू हो गया। अब इस ये जो हमारा फैक्टर निकल गया, अब इससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे। तो डिवाइड लगाइए इसमें टू एक्स फोटा, अभी जस्ट मैंने डिवाइड लगाना बताया है, टू टू कितना होगा टू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया टू एक्स टू डिवाइड फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, अब देखो ये क्या हो गया माइनस थ्री एक्स क्यूब और ये दो सेम सेम है तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब कितना से लाएंगे माइनस थ्री एक्स है, क्या हो गया माइनस थ्री एक्स क्यूब और माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स। चलिए प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों लोग एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाला टर्म है, ठीक है। और चलिए तो ये कितना हो गया ठीक है, तो ये हमारा आ गया टू आ गया ये, क्योंकि ये माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल। चलिए तो आप कितना होगा वन से लगाएंगे, वन टाइम एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वन, तो यहाँ पे प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया जीरो हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया कोसेंट हो गया, तो आप कोसेंट क्या हो गया, कोसेंट हमारा है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइज भी सिखाया है। तो क्या हो गया ये हमारा 2x, तो ये हो गया 2x प्लस x प्लस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस, अब कॉमन ले लेंगे 2x, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ x हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 1, या माइनस 1 कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब हो गया इसमें x माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 1, तो यहां से हमारा अगर हम लोग इसको मान लो कि अगर तुम कुछ मान लेते हो qx मान लेते हो, अगर ये qx अगर मान लेते हो तो जीरोज होने के लिए क्या चाहिए, qx क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इफ qx को अगर हम लोग जीरो कर दें तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, अगर आइदर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, आइदर 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इस कंडीशन में x का वैल्यू कितना आएगा 1, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 बाई में है डिवाइड में है आ जाएगा। तो अदर जीरोज हमारा क्या निकला, टोटल जो जीरोज हुआ हमारा, हेंस जीरोज कितना हो गया, पहले हमारा दिया हुआ था कितना रूट टू, दूसरा माइनस रूट टू, अब एक निकला वन और फिर अदर निकला वन बाय टू। तो इस तरह से हमारा सारा जीरो फाइंड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस पे बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट के लिए, आपको उस क्वेश्चन को टेस्ट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग अच्छे से रहिए, घर में स्वस्थ रहिए।